ये है हमारा मिनी जू का प्लॉट, जिसमें हमारे परिंदे रहेंगे और बाकी सारे सब कुछ रहेंगे जो जो हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसी रूम में रखने वाले हैं और इसको पूरा अच्छी तरह से बना देंगे। तो ये जो ऊपर में है उस पर अल्वेस्टर देना है हमको। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमारा जो मोहिनी जू का प्लान है तो इसी रूम के अंदर बनाना है, और हमारा जो ये अल्वेस्टर है वो भी आ चुका है। और इस साइड में जो है हम सोच रहे इधर जाल दे देंगे कि इस कोई सियार सियार हम लोग गांव में जो है ना सियार बिल्ली कटास घूमते रहते हैं, तो वो लोग इसमें नहीं आ पाएंगे। और ये जो हमारे अभी साग सब्जी इसमें रोपे हुए हैं ना पिताजी, तो इसको हम लोगों जो है ना सफाई करना पड़ेगा। ये भिंडी है दोस्तों, ये बैगन है, तो ये सब मैं आज हो सके तो मैं इसको आज साफ कर दूंगा। साफ करके और ये जो ये है इसको रहने देंगे। ये रहरी रहरी है, इसको रहने देंगे, इस वाले को भी रहने देंगे, देखेंगे नहीं तो इसको हटा देंगे। हटाने के बाद बाकी जो है ये सब कुछ को इसमें से निकाल देना, ये लकड़ी बांस सबको निकाल देना है। और निकाल करके फटाफट हमारा जो है मिनी जू को है तैयार करना है। तो तैयार कर लेंगे तब इसमें जो है अपने सारे परिंदे ले आके शिफ्ट कर देंगे। और बाकी और भी हमारे आगे जो मिनी जू में है परिंदे और भी ज़्यादा आ चुके हैं। तो अभी जो है हमारा मंकी इस साइड में बैठा हुआ है, इसको जो है हम लोग बांध के रखे हैं, अभी इसको नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारा जो मिनी जू है अभी तैयार नहीं है। जब तैयार हो जाएगा तब इन लोगों को उसमें ले चलेंगे। और हमारे जो परिंदे हैं इस साइड में है, वो जो हमारी कबूतरी थी उसके भी अंडे जो है ना वो भी अंडे खराब हो गए। तो अभी इन लोगों को मैं इसमें दाना और पानी दे रखे हैं, ये लोग खाएंगे और पियेंगे, अभी इसी में रहेंगे जब तक हमारा मिनी जू तैयार नहीं हो जाता। हमारा जो रेबिट है उसका कोई पता नहीं किस साइड में गया है किस साइड में नहीं। हमको लग रहा है उस साइड के अंदर, उस साइड में भी जा सकता है। उधर में सुबह तो निकला था इस साइड दाना खाने के लिए, लेकिन अभी इस साइड में नहीं दिख रहा। और उधर भूसा है ना उसी साइड में जाके छुपा होगा, तो जब निकलेगा हम आप सभी को दिखा देंगे। तो अभी मेरे को काम है, मैंने बताया ना उसमें जा कर के मिनी जू का जो है उसमें सफाई करना है, तो वही मैं जा कर के अभी थोड़ा बहुत सफाई कर देता हूँ। उसके बाद भैया आएंगे तो उसके ऊपर एल्वेस्टर चढ़ाने का काम लगाएंगे। तो मैं अभी चलते हैं एल्वेस्टर चढ़ाने के लिए। तो अभी मेरे को क्या है ये सब उखाड़ना पड़ेगा, इसलिए उखाड़ना पड़ेगा क्योंकि तभी तो इसमें जा कर के हमारे परिंदों का घर बन बसेगा। तो अभी भी इसमें जो है ना बहुत काम है, देखते हैं एक बार उखाड़ के देखते हैं। इसमें तो बैगन फड़ा हुआ इस साइड में, कितना मोह भी लग रहा है इसको सब चीज़ को हटाने में। तो क्या करें, पहले ये लकड़ी हटा देते हैं, ये जो बांध रखे हैं हमारे पिताजी ने, इसको पहले हटा देते हैं। तब जो है हम लोग ये जो अपने बैगन हैं ये सबको हटाएंगे, क्योंकि अजीब सा लग रहा है, मोह लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत से ये सब होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके हम सब्जी जो है हम लोगों को मिलता है। और लगाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और उखाड़ने में देखिए 1 सेकंड का काम है। लेकिन इसको मैं अभी नहीं उखाड़ूँगा, मैं जो है अभी इस सब लकड़ी जो है सब लकड़ी ये सब हटा देता हूँ, निकाल देता हूँ सब। कबाड़ा मेरे को ले जा कर के रखना पड़ेगा दूसरे जगह पे, यहाँ रख देता हूँ अभी फिलहाल में, और उठा उठा के उधर से चला जाएगा। ये करेला देखिए, इस साइड में करेला भी है, तो मैं अभी हटा देता हूँ इधर से, दूसरी जगह लगा देंगे इन लोगों को। चलो इस साइड में चलो। अभी जो है ना ये साफ़ सुथरा नहीं है ना, इसलिए आप सभी दोस्तों ऐसा दिख रहा है बेकार सा। और ये जो हमारा विंडो है खिड़की, इसमें भी सोच रहे हैं आप लोग बताइए कि इसमें क्या लगवाना अच्छा रहेगा, पैक करवा दें ईटा से या इसमें जो है खिड़की लगवा दें। खिड़की लगवाने से ही लग रहा है अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार हमको जो है कमेंट में बताइए कि इसमें क्या लगवाना चाहिए, खिड़की या ईटा। जो है ईटा से हम लोग साज देते हैं इसके ऊपर, कि बाद में जो है बाद में भी लगवा सकते हैं खिड़की, लेकिन खिड़की तो बाद में भी लगवाना है और अभी भी लगवाना ही होगा। तो
खिड़की ही बेस्ट रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग अभी ऑर्डर नहीं दिए हैं खिड़की के लिए, इसका जब ऑर्डर दे देंगे तो हमारा जो खिड़की बन के आ जाएगा, तो जाल वाला बनवा के लेके आएंगे, क्योंकि इसमें जो है परिंदों का हवा भी आएगा और मस्त फ्रेश भी रहेंगे। तो अभी जो है इस साइड में लकड़ी थोड़ा बहुत बचा है, मैं इसको हटा देता हूँ। गया करेला उखड़ के आ गया इसमें। चलो आज दोस्तों जो है मेरा खेत भी रोपवाना है गेहूं। ट्रैक्टर अभी आया नहीं है, ट्रैक्टर आ जाएगा तो रोपवाना है। बस इधर ही पीछे में है, इस साइड में ये वाला है और उस साइड में है, उस साइड उस घर रूम के जो है पीछे में है एक ठो, तो आ जाएगा ट्रैक्टर तो उसको भी रोपवा देंगे। तो दोस्तों अभी जो है पूरा मैंने इधर से जो है लकड़ी उकड़ी हटा करके और उस जो पेड़ को है उस साइड में बांध दिए हैं, और इस वाले को ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ये जो है मैंने अभी पूरा साफ कर दिया है, और ये थोड़ा बैगन है तो इसको बाद में देखेंगे। और इस वाले को जो है इसको अभी मैंने नहीं बांधा, तो इसको ऐसे सीधा करके बांध देंगे। इसको भी जो है सीधा ऊपर चला जाएगा और हमारा जो मिनी जू का स्पेस है बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो अभी जो है हमने सारा इधर का जो है कचरा बाहर, और ये जो हमारा है इस साइड हम लोगों ने बांध दिया, और ये जो है अभी पूरा खुला खुला सा लग रहा है। अभी आप सभी को सब समझ में आ जाएगा। इधर भी हम लोग अपना परिंदों का घर बना सकते हैं, उस साइड भी बना सकते हैं। मतलब अभी जो है ना इसमें जो है बहुत ही जगह बन गया है, और जो है उस साइड में वो जो करेला का है पौधा सब, उधर भी जो है उसको हटा देंगे तो बहुत स्पेस बन जाएगा हम लोगों का, जो कि हमारे परिंदे इसमें बहुत अच्छे से रहेंगे और खेलेंगे कूदेंगे। और मंकी भी इसमें जो है बहुत कूद मचल करेगा इसके अंदर में। और ये जो है ना अभी बैगन, इसको अभी रहने देते हैं थोड़ा, ये जो है एक दो फरा हुआ है ना वो बड़ा हो जाएगा तो सब्जी बन जाएगा, फिर उसको हटा देंगे। और इधर जो भिंडी तो नहीं फरेगा अब लग रहा है, इसका पत्ता पूरा जो झड़ गया है, तब हम लोग इसको हटा करके, और ये इस साइड में, उस साइड में, और ये इस साइड में, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मेरे को कि हमारा जब मिनी जो तैयार होगा तो बहुत ही शानदार लगेगा। आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद करूँगा आप सभी को पसंद आया हमारा मिनी जू, और हमारे को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों उस साइड में हमारे नीचे में एल्वेस्टर रखा हुआ है, और ऊपर में चढ़ाना है इस साइड में, तो मैंने एक घींच करके वहाँ पे लेके रख के आया हूँ, और उसको जो है मैं अभी ऊपर घींच के यहाँ पे रख दूँगा, क्योंकि भैया आएंगे तो फटाफट इसमें जो है इसके ऊपर से डंटा रख करके बांस को रख के उसके ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये काम जो है हम लोगों का जल्दी हो जाएगा। तो मैं अभी इधर से जो है खींच लेता हूँ, भारी है बहुत, अकेले नहीं होगा, फिर भी कोशिश करता हूँ, कर पाऊँगा मैं। तो अभी एक एल्वेस्टर मैंने नीचे से खींच के ऊपर ले आया हूँ, और बाकी जो तीन है उसको भी उठा करके ऐसे ही ला करके मैं यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाएगा हमारा काम। तो दोस्तों अभी जो है मैंने सारा करकट जो है नीचे से चारों करकट ऊपर में रख दिया हूँ इस साइड में, और जो है कि भैया जब आएंगे तब इसको जो है हम लोग इस साइड में चढ़ा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी से ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।